एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बटियागढ़ में विश्व स्तरीय कथक कलाकार विश्वजीत शर्मा, प्रदीप अग्रवाल अध्यक्ष, स्पिक मैक्टे चैप्टर दमोह, एसएल सह सूर्यवंशी नेशनल एग्जीक्यूटिव पहुंचे, जिनका शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य अर्जुन पटेल एवं छात्र छात्राओं ने शॉल श्रीफल भगवान की प्रतिमा देकर स्वागत किया। इसके उपरांत विश्वदीप शर्मा के द्वारा शास्त्रीय संगीत के विषय में संक्षिप्त परिचय दिया गया तथा शिव नृत्य, कृष्ण की लीलाएं, स्वरों के माध्यम से ट्रेन की आवाज़ निकालना, बच्चों की तालियों की आवाज़ निकालना सहित विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया गया। बच्चों ने अत्यधिक आनंद प्राप्त किया। इस अवसर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी टीकाराम कारपेंटर, ब्रजेश चतुर्वेदी, उमा सोनोकिया, जया ध्रुवी सहित समस्त शिक्षकों की मौजूदगी रही। समस्त छात्र छात्राओं ने मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम विश्वदीप है। वैसे तो कहा जाता है कि परंपराओं में अपना परिचय देने से पहले अपने गुरुओं का परिचय देना चाहिए, यही हमारी धरोहर, यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। और एक जो शिष्य है वो गुरु की परछाई होता है, मैं वही बन के रहना चाहता हूँ। मैंने अपनी जो जीवन की यात्रा है वो मात्र 5 वर्ष की आयु में शुरू की। मैंने जम्मू में नृत्य सीखना प्रारंभ किया गुरु पंडित नारायण प्रसाद जी से, और फिर दिल्ली आकर के गुरु प्रेरणा श्री माधव गुरु रणवीर सिंह जी के सानिध्य में मैंने सीखा। 2015 से स्पिक मैके से जुड़ा हूँ, और स्पिक मैके एक ऐसी संस्था है जिसने कोनों कोनों में
कला को फैलाया है। मैं ये समझता हूँ कि आपको बहुत कलाकार मिल जाएंगे, कला भी मिलेगी, लेकिन कला प्रेमी जब तक नहीं है तब तक उस कला को समेट करके उसको उचित स्थान पर पहुँचाना बड़ा कठिन हो जाता है। और स्पिक मैके बहुत वर्षों से कार्य कर रही है और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे दमोह आने को मिला, क्योंकि दमोह मैं पहली बार आया हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरा जन्मों से दमोह के साथ संबंध है। और ऐसे विद्यालय में बच्चों के साथ संवाद करना और देश की विविधताओं को स्पर्श करने का अवसर मिलना, तो मुझे लगता है कि कला के माध्यम से ही हो सकता है। देश ही नहीं विदेशों में भी मैंने प्रस्तुतियाँ दी, क्योंकि हमारी जो देश में संस्कृति को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, आज अगर भारत को कहीं विश्व स्तर पर अगर